इंद्री हल्के के गांव बटानखेड़ी में बहन के साथ छेड़छाड़ से आहत होकर एक युवक आत्महत्या कर लेने के बाद गांव के लोग इस घटना को भूल नहीं पा रहे हैं। इसी मामले को लेकर गांव के लोगों ने सामूहिक फैसला लेते हुए एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है कि गांव में जो प्रवासी रह रहे हैं वे गांव को छोड़ दें, क्योंकि जो मामला गांव में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का आया था उस मामले में बिहारी युवक का भी हाथ पाया गया, जिसको लेकर गांव में प्रवासियों के खिलाफ पूरा गांव हो गया है और ये फरमान जारी कर पूरे गांव में मुनियादी करवा कर गांव छोड़ने की चेतावनी दे डाली। इस फरमान के बाद अधिकतर प्रवासियों ने गांव को छोड़ने में ही भली समझी। आपको बता दें कि बुटानखेड़ी गांव के नज़दीक पावर ग्रिड है, इनमें बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर काम करते हैं जो गांव के अंदर मकानों में किराए पर रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रवासी मजदूर एक नशे में धुत होकर देर सवेर गाँव में घूमते रहते हैं और गाँव में हुई कुछ छेड़छाड़ जैसी अप्रिय घटनाओं में प्रवासी लोगों की संलिप्तता सामने आई है। पिछले दिन ही उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ से आहत एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या भी कर ली थी। इस कारण प्रवासियों को गांव से बाहर निकालने का उनको फैसला लेना पड़ा। जिला परिषद के सदस्य के पति अनिल कुमार का कहना है कि गांव में बिना परिवारों के प्रवासी मजदूर रहते हैं। ग्रामीणों की एक पंचायत बुलाई गई जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि जो प्रवासी मजदूर हैं इनको गांव से बाहर जाने के लिए बोला जाए। क्या क्या निर्णय था जी? वो क्या बात थी? असल ऐसा है जी, गांव में कुछ प्रवासी मजदूर रहते थे जो आसपास की फैक्ट्रियों में काम किया करते थे, और रात को ड्यूटी से आते टाइम शराब पी के नशा करके बहुत ही उड़दंगबाजी किया करते थे, जिससे गांव वाले बहुत परेशान थे। और ऐसा हो गया था जैसे गांव की महिलाओं का, लड़कियों का आना जाना भी बहुत ही दूभर हो गया था, जिसको पंचायत के पास जब ये मामला आया तो पंचायत और एक पूरे गांव राम ने सामूहिक निर्णय लिया कि गांव में कोई भी प्रवासी नहीं रहेगा। कुछ एक प्रवासी चले गए हैं, कुछ एक रह गए हैं, वो आजकल में चले जाएंगे। बाहरी लोग हैं जिनके कोई आईडी नहीं है, कोई पता नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कल ना कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो ये चले गए तो बाद में तो इनकी कोई पहचान भी नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इनको यहाँ से जाने के लिए गाँव किस तरफ से बोला गया था और पंचायत ने भी इसको सर्वसम्मति से फैसला मान लिया था और इसकी मुनादी करा दी थी कोई जल्दी चले जाएं। लगभग लोग चले गए, 5-10 जो बाकी हैं उनके लिए भी बोल रखे है, दोबारा उनकी मीटिंग तो थी। अब तक उनका कोई आईडी प्रूफ वगैरह नहीं लिया गया था। अरे कि ये भैया ऐसे, अरे उतरे गाँव में ऐसे भैया लगा, ऐसे गाँव के लगा इन्हें जमीन वो कर दिया गामा जी, गामा दी बिया बू बिया के बरा के करा जा कोई के कर जा है गांव के जा कतू भी मरण लग रहे। एक था बच्चा देखिए वो गुजर गया, एक ही था बेचारा है, उसका के रह गया दो चोकरिया रह गई, वो तो जुड़े वर्ग हो गया। ये भैया जाने चाहिए गांव में, कोई किराया करुए पर देने चाहिए। ये बात हो रही जी, ये भैया नहीं रहने चाहिए यहाँ बस। क्यों नहीं रहने चाहिए जी? इनके मान ले सबकी दी बेटी रवा और कहीं चानस हो लिए, ये नहीं रहने चाहिए। हाँ जी परेशान हो रहे, एक जाका था उसका वही अपना बेचारा गुजर गया, फांसी ले ली उसने। हाँ जी जी, घना माहौल खराब हो रहा है भैया, नहीं बिल्कुल भी रहना चाहिए जी। समय दे दो भी एक दो दिन का, यहाँ से सब अपना सामान लेके चले जाएं। तो कुछ काफी तो चले गए, कुछ दो तीन जगह है जो रह रहे हैं अभी भी रह रहे हैं, तो उसके बारे में भी हमारी तो यही राय है कि भी गांव में ऐसा माहौल खराब ना हुआ, इनका भी चले जाना चाहिए। जब सर्वसम्मति से सारा गाँव बोल रहा है, पंचायत ने भी ऐसा बोला है, तो ताकि आइंदा कोई ऐसी घटना ना हुआ। नहीं कहना मानेंगे अड़ेंगे, कोई ऐसी बात हुई थी, वो ऐसी बात हुई थी सरपंच के साथ, सरपंच ने पहले भी अनाउंस कराया था, फिर उसके बावजूद भी प्रशासन को कोई आईडी कोई प्रूफ थाने में नहीं दिया गया था, इतना होने के बावजूद भी, और उसी का नतीजा है कि गांव में इतनी बड़ी कोई दुर्घटना भी हुई, लड़का ने सुसाइड किया, कोई छेड़खानी हुई, कोई गड़बड़ हुई, इसलिए तो माहौल खराब हो रहा है। माहौल तो खराब होता है, आसपास लोग हैं जिनके पास रहते हैं तो लोग बड़ा चिंतित महसूस करते हैं, अपने आप महसूस करते हैं, और वो लोग एक डर के माहौल से में रहते हैं, अभी कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए इंद्री से जाट टीवी न्यूज के लिए विजय कम्बोज की रिपोर्ट।